मेरे पास जो फोन है इसमें आप पबजी मोबाइल जैसा गेम को 60 एफपीएस में आराम से खेल सकते हो। इसकी बैक कैमरा से आप 4K में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो और इसमें ओएस भी है। इस फोन के साथ इनबॉक्स आता है 67 वाट का एडेप्टर, फोन 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जब इस फोन में आप कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करोगे अनाउंसमेंट नहीं सुनाई देता है। हाँ जी मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ पोको X5 प्रो के बारे में। पिछले 15 दिनों से इस फोन को एज ए प्राइमरी डिवाइस की तरह मैं यूज कर रहा हूँ और इसमें एक छोटी सी अपडेट आ चुका जिसको मैंने कर लिया। चलिए मित्रों, आज इस वीडियो में पोको X5 Pro का डिटेल रिव्यू करते और छोटी सी पार्ट में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। लास्ट में मेरा ओपिनियन आप जरूर सुनना यार, आपको अच्छी तरीके से आइडिया लग जाएगा पोको X5 Pro आपके लिए कैसा होगा। चलिए मित्रों, रिव्यू शुरुआत करता हूँ इसके डिस्प्ले से। इसके डिस्प्ले में एक सबसे अच्छी चीज मिलेगा इस प्राइस पॉइंट में, अभी तक कोई नहीं देता है, जो डॉल्बी विजन को फोन सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का साइज भी एवरेज है, 6.67 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड पैनल के साथ आता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। जब इसको मैं आउटडोर में या इंडोर में यूज करता हूँ मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फोन है डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है, उसी के साथ साथ इसमें वाइड वाइन L1 और HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी है। जब आप मूवी या वीडियो देखोगे, देखने का जो मजा है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कलर कॉन्ट्रास्ट और डिटेलिंग कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर यहाँ पर कितना एक्यूरेट दिखाई दे रहा है। ओवरऑल दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है वो सबसे अच्छी पॉइंट बन जाता है इस फोन का। और एक चीज इसका अच्छा है जो है इसका परफॉर्मेंस। ऐसे भी जो फोन आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से 778G चिपसेट के साथ, जो कि ऑक्टा कोर चिपसेट है, 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है और इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2.4 GHz में। इसका अंतुतु स्कोर और सीपीयू थ्रॉटलिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, कितना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर डे टू लाइफ यूज में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो पबजी मोबाइल जैसा गेम को मैं 60 FPS में खेल रहा हूँ, स्क्रीन को रिकॉर्ड करके जायरो वगैरह कितना अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर गेम जो स्टेबल रहता है, FPS डाउन नहीं होता है और आप घंटे तक गेम खेलो यार फोन ओवरहीट नहीं होता है। ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग में बहुत ही फास्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे भी मेरे पास है इसका बेस वेरियंट 6GB 128GB वेरियंट, ऑब्वियसली वर्चुअल रैम का फीचर्स है, अप टू 5GB रैम को बढ़ा सकते हो। LPDDR4X का रैम है और इसमें EOS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। रैम मैनेजमेंट इसमें 2 GB मिलता है। ओवरऑल दोस्तों, ये जो फोन है एक गेमर के लिए और एक हेवी यूजर के लिए बना हुआ है। अगर आप गेमर हो तो आपके लिए जो फोन है परफेक्ट बन जाता है। और एक चीज में जो फोन है परफेक्ट रहेगा जो है कैमरा में। फोन की पीछे की तरफ है ट्रिपल कैमरा सेटअप, मेगापिक्सल में कमियां नहीं दिया है पोको ने। 108 MP का कैमरा है और इसमें 8 MP है अल्ट्रावाइड और 2 MP है ओएस के साथ आता है। और इसकी बैक कैमरा से आप 4K में 60 FPS पर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। पहला आप लोग इसका बैक कैमरा वीडियो सैंपल देख लीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हो कलर कॉन्ट्रास्ट डिटेलिंग कितना अच्छा है और यहाँ पर स्टेबिलाइजेशन भी 2 GHz मिलता है। ऑटो फोकस यहाँ पर जबरदस्त मिलता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कलर या लाइटिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से फोन मैनेज कर रहा है। आपको लग रहा है मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, नहीं दोस्तों, इसका कैमरा सचमुच किलर है। कुछ फोटो के जरिए मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ इसका कैमरा कैसा है। आप यहाँ पर देख सकते हो 108 मेगापिक्सल के हिसाब से डिटेलिंग कितना जबरदस्त आ रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाने के बाद इसके कैमरा में क्लियरिटी और थोड़ा सा आ गया है और इसमें कलर कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा मिलता है। डायनेमिक रेंज को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है और लो लाइट में इसकी बैक कैमरा से आप आराम से बढ़िया बढ़िया फोटो को क्लिक कर सकते हो। कुछ नाइट सैंपल का फोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें ऑटो फोकस भी 2 GHz देखने को मिलता है। ऐसे भी इसमें है 16 MP का सेल्फी कैमरा, ये चीज मुझे सबसे अच्छा लगा है। इसकी सेल्फी कैमरा से आप फुल एचडी में 60 FPS पर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो में स्टेबिलाइजेशन ओके है और यहाँ पर लाइटिंग पोजीशन और स्किन टोन का कलर को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है। कुछ सेल्फी कैमरा का सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हो, स्किन टोन का कलर और लाइटिंग पोजीशन को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। हर सेल्फी फोटो में आप ये चीज नोटिस करिए, डायनेमिक रेंज को कितनी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है। पोर्ट्रेट मोड की तरफ देखा जाए बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लर कर लेता है, डिटेक्शन भी अच्छा मिलता है और इसमें डायनामिक रेंज को भी अच्छी तरीके से मैनेज करता है। ओवरऑल इसका बैक कैमरा और सेल्फी कैमरा प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक नंबर है भाई। ऐसे भी इसका डिजाइन भी इतना बुरा नहीं है, फोन देखने में काफी खूबसूरत है और इसका डिजाइन मिलता जुलता है Redmi Note 12 Pro से। इसका जो फ्रेम है वो फ्लैट एजेस के साथ आता है, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। पीछे की तरफ भी पॉलीकार्बोनेट है जिसमें मैट फिनिशिंग है। क्रैशेस फिंगरप्रिंट का निशान जो है इतना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन कैमरा का जो बाम है
और स्लाइटली बाहर हुआ है। फोन हल्का और पतला भी है, हाथों में कंफर्टेबल फील देता है, लेकिन यार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ नहीं आता है, साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर है। फास्ट तो है यार, लेकिन इस प्राइस रेंज में अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे देता तो डिजाइन में एक ऑलराउंडर फोन बन जाता है। इसमें सेंटर पंचुल है, डिस्प्ले का बेजल और नीचे जो चेन आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही छोटा रखा है। इतने देर से इस फोन का पॉजिटिव पॉइंट के बारे में मैंने बात कर रहा था, तो चलिए दोस्तों कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। यार पोको की फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट लेकर थोड़ा बहुत तो इशू रहता है। पिछले कुछ सालों से पोको के फोन में जब सॉफ्टवेयर अपडेट आता है यूजर जो है घबरा जाता है और अपडेट वगैरह नहीं करता है, क्योंकि अपडेट करने के बाद यहाँ पर फोन जो है खराब हो जाता है। इस फोन में एक अपडेट आ चुका है जिसको मैंने कर लिया। इसको करने के बाद इसका परफॉर्मेंस में, कैमरा में और बैटरी बैकअप में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुआ है। हाल फिलहाल में जो फोन है एंड्रॉइड 12 पर रन हो रहा है और इसमें MIUI 14 है। ये पोको रेडमी या Xiaomi का दोस्तों एक लेटेस्ट UI है। इसमें आपको थोड़ी बहुत प्री इंस्टॉल ऐप मिलेगा जिसको आपको अनइंस्टॉल करना होगा। अगर देखा जाए दोस्तों लैग या जिटर के बारे में मुझे अभी तक नहीं लगा है, लेकिन अगर आप हेवी गेम को ओपन करते हो तो तब आपको थोड़ा बहुत जिटर का महसूस होगा। जैसे कैमरा एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करते हो क्लोज करते हो तो आपको जिटर का महसूस थोड़ा बहुत मिलेगा। ये छोड़कर इसका UI जबरदस्त है, कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स मिलेगा जैसे कि इसमें डिफॉल्ट MI डायलर मिलता है, कॉल रिकॉर्डिंग का अनाउंसमेंट नहीं सुनाई देता है और इस फोन के जरिए आप हार्ट रेट को भी चेक कर सकते हो। कितना सच है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये छोटी मोटी फीचर्स आपको मिलेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट ऐसे एप्लीकेशन को आप क्लोन करके इस डिवाइस में यूज कर सकते हो। ये चीज आपको याद में रखना होगा, फोन SD कार्ड को सपोर्ट नहीं करता है, तो अगर आप फोन को लेना चाहते हो तो आप ज्यादा वेरियंट को परचेस करिए, क्योंकि 8GB 256GB वेरियंट को परचेस करिए। डुअल माइक है और इसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा मिलता है। 5G फोन है, मल्टीपल 5G बैंड्स का सपोर्ट भी है। साउंड लेवल विद इन लिमिट है और हैप्टिक फीडबैक टू गुड मिलता है। इसमें 3.5mm ऑडियो जैक है। डुअल स्टूडियो स्पीकर के साथ आता है, स्पीकर का क्वालिटी जबरदस्त है, लेकिन फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुनोगे फोन हल्का सा वाइब्रेट करता है। 5000mAh का बैटरी है और इनबॉक्स आता है 67W का एडाप्टर के साथ। फोन 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है और इसमें बैटरी बैकअप टू गुड देखने को मिलता है, लेकिन यार चार्जिंग के टाइम में फोन जो है थोड़ा सा हीट होता है। चलिए मित्रों अब सीधी सी बात करते हैं, पोको X5 Pro को परचेस करना चाहिए कि नहीं। देखो यार पिछले एक सीरीज में जितना सारा फोन आया था सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाने के बाद मदरबोर्ड का इशू और कैमरा में प्रॉब्लम वगैरह आ रहा था। पोको X5 Pro में आपको एंड्रॉइड 13 का और 14 का अपडेट भी मिलेगा। अगर पोको X5 Pro में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो पोको जो है कंपटीशन में हार जाएगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में देखो यार बहुत सारे गेमिंग फोन ऑलरेडी मौजूद है। पोको एक्स सीरीज कभी इंडिया पर बिकेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों पोको जो है फिर से गलती नहीं करेगा। ये जो फोन है प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा सा गेमिंग फोन भी है, इसका डिस्प्ले भी अच्छा है, इसका कैमरा क्वालिटी भी अच्छा है, इसका बैटरी का परफॉर्मेंस भी टू गुड मिलता है। ओवरऑल दोस्तों पोको X5 Pro प्राइस के हिसाब से जबरदस्त फोन है, आप जरूर इस फोन को परचेस कर सकते हो, फोन आपको निराश नहीं करेगा। ऐसे भी आपका क्या ओपिनियन है पोको X5 Pro के बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो, क्योंकि सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर सकते हो, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक iQOO Neo 7 और पोको X5 Pro का डिटेल कंपेयर वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा।